नमस्कार, पंचायती टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं कमल सिंह। रमज़ान का महीना है और पॉलिटिकल गलियारों में एक ट्रेंड सा बना हुआ है इफ्तार पार्टी देना। हर पार्टी अपने अपने तरीके से इफ्तार पार्टी का आयोजन करती है। तमाम दिग्गज जो हैं बुलाए जाते हैं, राजनीतिक गलियारों से लेके बॉलीवुड तक के सारी बड़ी हस्तियाँ बुलाई जाती हैं, इन्वाइट की जाती हैं। और राजनीति में एक तरीके से इसको देखें कि वोट बैंक की भी राजनीति हो गई है इफ्तार पार्टी को, अगर हम राजनीति के पहलू से देखें तो। और ऐसा ही कुछ हुआ है अभी कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस 13 जून को इफ्तार पार्टी का आयोजन करने वाली है। कांग्रेस की इफ्तार पार्टी में जो खास बात है, इसको बताने से पहले हम आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहेंगे। कुछ दिन पहले अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने प्रणब मुखर्जी, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनको बुलाया था। वो वहाँ पे गए। उनके जाने से पहले कांग्रेस ने नाराज़गी जताई, कांग्रेस के खेमे में नाराज़गी थी। एक बड़ा तबका कांग्रेस का नाराज़ था, लेकिन हालांकि किसी ने खुल के ये नहीं कहा कि प्रणब मुखर्जी जी को वहाँ नहीं जाना चाहिए, या किसी ने खुल के बयानबाजी नहीं की। पूरे प्रकरण में जब वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद कांग्रेस ने उनके वहाँ जाने पे और उनके भाषण पे तारीफ भी की। लेकिन अब इफ्तार पार्टी जो दे रही है कांग्रेस, सूत्रों के मुताबिक 13 जून को जो कांग्रेस की इफ्तार पार्टी है, उसमें प्रणब मुखर्जी को आमंत्रित नहीं किया गया है। इस चीज़ को अगर सीधा सीधा हम जोड़ के देखें तो संघ के मंच पे खड़ा होके अगर मुखर्जी जी ने भाषण दिया तो कांग्रेस उनसे किनारा कटती हुई नज़र आ रही है। हालांकि इस मुद्दे पे अभी कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन विशेष सूत्रों से जो जानकारी आ रही है कि 13 जून को कांग्रेस की होने वाली इफ्तार पार्टी में प्रणव दा को नहीं बुलाया गया है, यानी कि RSS के मंच पे जाने के बाद कांग्रेस प्रणव दा से किनारा कसती हुई नज़र आ रही है। खास करके पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जो हैं और आम आदमी पार्टी, इनको आमंत्रित नहीं किया गया है। तो अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित न करना एक तरीके से राजनीतिक द्वेष जो है उसको दर्शाता है। लेकिन अगर प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस नहीं बुलाती है इफ्तार पार्टी में, तो कांग्रेस के मंच पे सवाल खड़ा होता है कि क्या RSS के मंच पे प्रणब मुखर्जी को खड़े होने की वजह से कांग्रेस ने उन्हें इफ्तार पार्टी में आमंत्रित करने से परहेज किया है? क्या RSS के मंच पे खड़ा होना प्रणब मुखर्जी के लिए कांग्रेस से दूरियों का सबब बन रहा है? देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहते हैं। फेसबुक और यूट्यूब के जरिए हम आप तक पहुंचाते रहते हैं हमारा वीडियो। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।